ओम श्री गणेशाय नमः। जय माता दी। स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे चैनल चमकती किस्मत में। वेद पंडित आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों हम हर रोज़ अपने चैनल पे आपको कुछ ऐसे उपाय बताते हैं जिन्हें अपने जीवन में अपनाने से आपको आपके कार्यों में सफलता मिलती है। जी हाँ दोस्तों, हम हर रोज़ माँ गर्जिया देवी जी से आपके और आपके परिवार की कुशलता और सफलता के लिए प्रार्थना करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग अपने परिवार के साथ एक अच्छा जीवन यापन कर पाएँ। दोस्तों देव उठाने एकादशी बस आने ही वाली है और इसलिए आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि देव उठाने एकादशी पर भगवान विष्णु को क्या भोग लगाएं जिससे कि भगवान विष्णु हो प्रसन्न और आप लोग उनका आशीर्वाद पा सकें। जी हाँ दोस्तों, ये जानने के लिए वीडियो पूरी देखिएगा। लेकिन जिससे पहले हम आगे बढ़ें, हम आपसे कहना चाहेंगे यदि आप पहली बार हमारे चैनल चमकती किस्मत पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में वीडियो शेयर करिएगा जिससे कि सभी लोग इस वीडियो में दी गई इस महत्वपूर्ण जानकारी का पूर्ण लाभ उठा सके। दोस्तों चलिए अपने विषय पे हम पुनः वापस आते हैं। हिंदू धर्म में देव उठान एकादशी का विशेष महत्व है। माना गया है कि भगवान विष्णु देव सैनी एकादशी को सोते हैं और चार महीने बाद देव उठान एकादशी पर योग निद्रा से जागते हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार देव उठान एकादशी से सभी मांगलिक कार्य जैसे कि शादी विवाह गृह प्रवेश मुंडन आदि शुरू हो जाते हैं। माना गया है कि देव उठान एकादशी पर व्रत और भगवान विष्णु की पूजा करने वालों को वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। दोस्तों यदि आपको अब तक की वीडियो अच्छी लग रही हो तो लगे हाथ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें। दोस्तों आइए अब हम आपको बताते हैं कि इस साल देव उठान एकादशी कब है और इस दिन क्या करना शुभ माना जाएगा। इस साल उदय तिथि के अनुसार दोस्तों 23 नवंबर को देव उठान एकादशी मनाई जाएगी। इस दिन प्रातः काल स्नान आदि के बाद सूर्य देव को अर्घ्य दें यानी सूर्य देव को जल अर्पित करें, एकादशी व्रत का संकल्प लें। इसी के साथ घर के ईशान कोण में भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें, फल फूल अर्पित करें और धूप दीप भी जलाएं। फूल में गेंदे का फूल और फल में केले का फल अच्छा रहेगा। देव उठान एकादशी के दिन भगवान विष्णु की सफ़ेद रंग का भी भोग लगाएं, इस बात का ध्यान रखें। माना गया है कि इस दिन खीर या सफ़ेद रंग की मिठाई का भोग लगाने से श्री हरि विष्णु प्रसन्न होते हैं, तो आप खीर का या कोई भी सफ़ेद मिष्ठान जैसे कि बर्फी का भी भोग लगा सकते हैं। इसके बाद एकादशी की कथा का पाठ करें या श्रवण जरूर करना चाहिए। और दोस्तों आखिरी में भगवान विष्णु की आरती करें और भोग की जो प्रसाद है उसे सब में बाँट दें। दोस्तों इस देव उठान एकादशी ये उपाय जरूर करें। ये इसे करने से आपको न सिर्फ भगवान विष्णु बल्कि माँ लक्ष्मी का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। जीवन में जिस प्रकार के भी संकट चल रहे होंगे वह सब संकट समाप्त हो जाएंगे और भगवान विष्णु तो पालन करता है ही, और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद ही प्राप्त होगा और आप अपने जीवन में दिन दिगुनी रात चौगुनी तरक्की कर पाएंगे। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो इसमें दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। दोस्तों अब हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय माता दी, धन्यवाद।